के मंजिल मुश्किल बड़ी है। किसी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं। कांटों को रस्तों से तू साफ। तन्हाई में रहने के बाद अली को संभल की याद आएगी और सोचने लग जाएगा कि बिलाखिर मेरे इतनी अजियतों के बावजूद भी इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर भी मेरे साथ ये अजियतें झेलने के लिए रहना चाहती है। दूसरी जानब अलमास बेगम का संभल को तलाक दिलवाने का कोशिश नाकाम होने के बाद फिर से नेहा के पीछे पड़ जाएगी और उसको आसिम की ज़िंदगी से निकालने का मंसूबा नहीं छोड़ेगी।